वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दीपक जायसवाल ब्लॉग। आई होप कि आप लोग क्या होंगे, मस्त होंगे। और मैं तो आज मस्त नहीं हूँ क्योंकि आज का दिन हमारा बहुत ही बेकार गया, क्योंकि आज सुबह साथ निकले हुए हैं तो रात हो गई काफ़ी। और इस समय बनारस के हम इलाहाबाद में हूँ और बिग बाज़ार तो यहाँ बंद हो गया, यहाँ पर था इधर नहीं है, बंद हो गया इधर। तो इधर देख सकते हैं पूरा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, सब बंद हो गया। ये बिग बाज़ार था, बंद हो गया क्या? आइस मार्ट खुला हुआ है क्या? इधर नहीं खुला है, बंद हो गया है। तो भैया बता रहे हैं बंद हो गया है और मार्केटिंग सुबह से निकले थे लेकिन काम नहीं हो पाया और दिन हो गया एकदम पूरा चौपट और पूरा ख़राब हो गया। तो कहने का मतलब बस यही है कि आप लोग का भी दिन अच्छा जाए, हमारा तो अच्छा नहीं गया। और इस समय हम बिग बाज़ार इलाहाबाद में हैं, बिल्डिंग इसी नाम से जाना जाता है लेकिन अब नहीं जाना जाता क्योंकि बिग बाज़ार नहीं रहा। A few moments later. आ रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ और ये अंशु भाई है और जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो लगा कि हाँ आप लोग को दिखाना चाहिए कि कहीं पहुँच रहा हूँ और क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा प्रोग्राम रखा। अंकित भाई देखो पीछे इधर खड़े हुए हैं और हम दोनों भाई यहाँ पे हैं पूरा, सभी लोग आ रहे हैं तो हम चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि कौन सा प्रोग्राम है, कैसा। पहले सर कबड्डी के ग्रुप है, ये कबड्डी खेलते हैं, बहुत तेज कबड्डी खेलते हैं सब, बहुत तेज चैंपियन है सब। कहाँ के? भदोही के? की पूरा चैंपियन है, भदोही जिला के चैंपियन है और ये टीम है, खिलाड़ी है पूरा। दिक्की भाई कैसा लग रहा है? प्रॉपर एक प्रसाद बना है। A few moments later. देर भाभी बात कर रही है बिल्ली। हाँ बेटी कार्तिक बात करो। सभी लोग मिलजुल के अच्छे से बात कर रहे हैं। अभिका माले में सोना तो बोलेंगे, जल्दी दूध पियो। बोलोगे दोस्तों? यहाँ देखो वरना दीदी और मम्मी एक ननद भौजाई और सास से एक साथ बात कर रही हैं। कपड़े आप लगाए जो वीडियो बनाने वाले का चेहरा हो गया इसकी टेंशन। The next day. तो गाइस इस समय उस घर पहुंचा हूं अपने चाची घर पे, तो यहां पे एक्सरे रिपोर्ट चाची का आ गया है और मैं चाची का पैर टूट गया है। आप लोग को हम दिखाते हैं एक्सरे। चाची बैठी कुर्सी पे, चल भी नहीं पा रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है। इस मतलब क्या किया जाए, चाची इधर बैठी हैं बस इनका एक्सरे रिपोर्ट का ये रहा। आप देख सकते हो हड्डी कहाँ टूटी हुई है, इस एक्सरे रिपोर्ट आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ये देखो जो ये राइट साइड है तो हड्डी यहाँ पे छटक गई है और ये हिल भी रहा है। ये साइड है जिस हाथ पे हमारा हाथ है, इस साइड में चाची का हड्डी टूटा हुआ है, देख सकते हो इधर। और इधर सोना को लेके आ गया हूँ। तो चाची बहुत तकलीफ हो रही है। चाची क्या मतलब क्या दिक्कत हुई आपको, कैसे कैसे गिर गई आप? अरे स्टेशन में वही पार्ट से गिर गई पटिया पे। और कहीं चोट नहीं लगा ना? नहीं। और कोई दिक्कत परेशानी ठोकने के पास? तो ये एक्सरे रिपोर्ट आया डॉक्टर का, अब देखते हैं क्या होता है, कैसे जो भी रहेगा अपडेट आप उसे शेयर करेंगे। बाकी बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर में। A few moments later. तो गाइस घर पे पहुंचे हैं तो भाभी जी सब्जी तैयारी कर रही हैं और आज घर में दो सब्जी बन रहा है। क्या क्या बना रही हो? बजर बट्टू और उसका नेनुआ। तो नेनुआ का सब्जी पापा खाएंगे और बजर बट्टू सब्जी मैं खाऊंगा क्योंकि मैं क्या करें उसको नेनुआ खाता नहीं हूँ तो नेनुआ का सब्जी याद भी नहीं रहता है, जब खाता हूँ तो याद कहाँ से रहेगा। तो इधर तैयारी चल रही सब्जी की और इधर देख सकते हो इसको बोरा भी बोलते हैं, बजे बट्टू भी बोलते हैं। तो इधर भाभी काट रही पूरी तैयारी, फैला देखो दाढ़ भी दे रही है। देखो एक होता है ना इतना दाढ़ती है मुझे ना मैं क्या बताऊँ। चलिए दाढ़ सहना भी चाहिए भाभियों का, बाबू चलो इतना दाढ़ भी मंजूर रहता है, इतनी प्यारी भौजी मिली है तो दाढ़ भी देंगी तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो बजे बट्टू बन रहा है। और सो गाइस अब देखा कि भाभी सब्जी काट ही रही थी और इसी में भैया की एंट्री हो गई और हाथ में माजा लेके आए हैं जो बच्चों के लिए और साथ में फुल्की भी लेके आए हैं। आज भाभी को बहुत दिन बाद भैया ने फुल्की खिला रहे अपने हाथों से, मतलब अभी ला के आए हुए हैं, मतलब लेके आए हुए हैं तो अभी खिलाएंगे। तो मार्केट से फुल्की लेके आ गए हैं और अभी आप लोग को दिखाएंगे। तो देखो सामने फुल्की यहाँ नजर आ रहा है। और सोना हमारी क्या पिएगी? सोना क्या इसमें बताओ क्या क्या पिएगी पहले बोलो, क्या ही है? फ्रूटी है। तो सोना फ्रूटी पिलाते हैं और जब फुल्की हम लोग खाते हैं फिर आपसे शेयर करते हैं कि आज कैसा फुल्की लगता है भाभी को और भाभी बताएंगी। तो गाइस देख सकते हो इधर भाभी जी फुल्की झमझम खा भी रही हैं और मुझे भी खिला रही हैं और भी दो चार महीने खा भी चुका है, इधर मेरे को हाथ में भी दे रही है। और कभी कैसा बना भाभी? अच्छा है। आपके हस्बैंड जी लाए हैं अभी, बेटा मुझे खिला रहा है। नहीं आप खा लो बेटू, आप खा लो, गिर रहा है। खा लो। तो काफी अच्छा टेस्ट है, मैंने खा लिया दो तीन, एक बार खा रहा हूँ। अच्छा तो गोलगप्पा का आनंद भाभी लिए हैं। तो उनका गिर गई थी वहाँ पे तो फ्रैक्चर हो गया ना, यहाँ एक घुटना टूट गया है। एक्सरे रिपोर्ट वगैरह सब आया हुआ है, सब कुछ दिखाने बैठी थी। हाँ देखते हैं क्या होता है, अब डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा रिपोर्ट आएगा, मतलब प्लास्टर वगैरह बनता है नहीं बनता है वो आपको देखने को मिलेगा। क्या नहीं दे रहा है? सोना कैसे डांस करती है हमारी? सोना कैसे डांस करती है बता दो तो, कैसे घूम के बता दो। और दोनों बच्चे इधर देखो आप ही रहे। हाँ कैसे ऐसे अच्छा लगता है? फिर से कर दो तो, फिर से कर दो भैया। ए ये आज फ्रॉक पहनी है। तो गाइस आज ये तीसरे दिन का ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि डेली का डेली जो रहता है ना कि शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतनी मार्केटिंग का काम, इतना जॉब है और बाहर रहते हैं रात को जल्द आते हैं। कल घर पे थे लेकिन शूट नहीं कर पाए कि क्या दिखाएं, जब कुछ है नहीं तो क्या दिखा पाते हैं। चलिए आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो यही रीज़न है कि समय नहीं पा रहा इसलिए ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं। जब समय रहता है या कुछ पास में रहता है दिखाने के लिए तो सोचते हैं तब दिखाएं, जब कुछ है ही नहीं तो क्या दिखाएं। ये दिखाएं किचन में भाभी जी काम कर रही है, पूरा देख सकते हो। बैक कैमरा में भाभी से मुलाकात करते हैं, कल आप लोग देखे हो आज फिर दिखा देते हैं। और हमारा डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहा है इसके लिए हम थोड़ा सा आपसे क्षमा भी चाहेंगे कि डेली क्या हो रहा है जीवन में। तो चलिए जैसा भी रहता है आपसे शेयर करते रहेंगे, बाकी बैक कैमरा करके दिखाते हैं भाभी आज क्या बना रही है। तो गाइस इधर भाभी जी हैं किचन में और चेहरा काफी डल लग रहा है क्योंकि पसीना बहुत गर्मी ज्यादा हो गई है ना। तो इधर देख सकते हो ये बना रही है पूरी, किसी से पूरी बना रही है? दाल की, चने की दाल की है। चने की दाल की पूरी भाभी बना रही है इधर, बेल दी है तवा पे रख दी है और रात को यही खाने को मिलेगा। तो गाइस यही सब बन रहा है और देख सकते हो आप लोग, दाल भी है। दोपहर में तो यही बनाई थी आप? सुबह में बनाए थे ना, थोड़ा बच गया तो शाम को के बना ले और रोटी बनेगा। अच्छा अच्छी बात है, बना लो। तो गाइस चलिए इतनी शब्दों के साथ ब्लॉग को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप लोग जरूर करेगा और दुआ करेंगे कि आप लोग ढेर सारा प्यार दोगे आशीर्वाद दोगे। तो मिलते हैं आप लोग से अच्छे नए वीडियो के साथ। बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, लव यू।